24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातवा। ये नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जनपद बहराइच में वार्ड नंबर 1 नई बस्ती बक्सीपुरा में आरसीसी रोड पर बारिश का पानी रोड से निकासी कर दी गई, जिसके चलते सारा रोड खुद गया। लेकिन वार्ड नंबर 1 सभासद बबलू गौतम व नगर पालिका के अध्यक्ष रूबीना रेहान व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन कुमार उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजर रोड पर नहीं पड़ रही। जब हमारे संवाददाता अनूप कुमार मिश्रा ने शुभम तिवारी नगर संयोजक बजरंग दल से एवं समस्त मोहल्लावासी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि माननीय जिला अधिकारी महोदय मात्र 2 घंटे का समय देकर एक आम नागरिक की तरह पूरे वार्ड का निरीक्षण जनता के साथ करें। इस पूरे निरीक्षण में जिलाधिकारी महोदय पूरे वार्ड के लोगों से बात करके एवं जनता की पूरी बात व समस्याओं को सुने। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनूप कुमार मिश्र की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 1 में ये रोड आती है, आप देख सकते हैं कि इस रोड को किस तरह बनाया गया है। ये वार्ड नंबर 1 में आती है, ये वार्ड नंबर 1 में आती है, क्योंकि ये वार्ड जो बक्शीपुरा है ये 2 वार्डों में बटा हुआ, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 6। ये वार्ड नंबर जो ये सड़क के इधर साइड में है ये वार्ड नंबर 6 पड़ता है, सड़क से लेकर ये पूरा वार्ड नंबर 1 में आता है। ये नगर पालिका में इसको भी कई बार मैंने यू साहब के सामने रखा, उनको व्हाट्सएप पे हर तरीके से उनको पर्सनल जानकारी कंप्लेन इत्यादि। बताइए इतनी रोड खराब है, आप लोग कैसे आते जाते हैं? बगल से प्लाट है लोगों का, वो अपना बेचारे थोड़ा हेल्प किए हैं, उन्होंने कहा जब तक हमारी ये रोड आपकी कंप्लीट नहीं होती बनती नहीं तब तक आप हमारे इधर से गाड़ी निकलवा सकते हैं। अपने उन्होंने बुनियाद तोड़वा दी है, लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए जो गाड़ियाँ निकलती हैं पूरा का पूरा, अब उनकी मिट्टी भी सब गायब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रोड के अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, उसके ऊपर से कुछ 1-2 दिख रही है जो क्या कहते हैं बजड़ी टाइप में, उसके ऊपर से पूरी रोड बन गई है। ये मेन रोड है जो बक्शीपुरा में, इसके ऊपर से नहीं होता है तो दिन भर में कम से कम 50 ट्रालियाँ चौपहिया वाहन इत्यादि सब निकलते हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई कार्यवाही नहीं, इस पर आज तक कोई अधिकारी ने इसको देखा नहीं। इस वक्त ये सती है बरसात में, कैसे बरसात में तो ये पूरा पूरा गंगा जी बहती है, ये ऊपर से जितना पानी पूरे वार्ड में भरता है वो इसी पैसे होते हुए बगल के प्लाट में जाता है। शिकायत करते हैं, कोई नहीं आता, कोई अधिकारी आज तक नहीं आता ही नहीं, कोई अधिकारी आज तक देखने नहीं आया वार्ड में। मैं गारंटी लिख के कहिए आपको दे दूं स्टाम्प पैड पर, आज तक किसी अधिकारी ने इसका निरीक्षण नहीं किया कि हाँ इस वार्ड की क्या स्थिति है। सामने आप देख सकते हैं जो इधर का पानी भरता है, पीछे साइड में देख लीजिए प्लाटों में भरा गया। आपका शुभ नाम क्या है? शुभम तिवारी, नगर संयोजक बजरंग। अब आप बताइए, अरे बहुत परेशान पानी करते हैं, सड़क के बारे में पूरी नड़क हो जाता है, बड़का नहीं है आने जाने के, सड़क के लिए परेशान हैं हमसे, पानी कहाँ गिरा दिए, कहाँ कहाँ चला जाए पानी, फिर पानी में गंदे में आते जाते हैं, मच्छर बहुत लगते हैं। बहुत किया है, बहुत सब कुछ किया जाता, कोई सुनवाई नहीं होते, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूरा मोहल्ला एप्लीकेशन आप लोग देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई सुनवाई नहीं होते हैं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? राम सागर। किस मोहल्ले में रहते हो? वार्ड नंबर का है, ठीक है। बस ये बात की जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो गोदी में लेके जाना पड़ता है बरसात में, और चूक जाते हैं तो चाहला में गिर जाए, इधर गड्ढे में जाते हैं, दिक्कत हो रही है। मगर बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल जाते हैं वाहन गिर के। नगर पालिका के कर्मचारी लोग आए थे तो बोले कि बरसात के बाद सही करवा देंगे, बरसात खत्म आते कोई देखने यहाँ नहीं। आप लोग एप्लीकेशन देते हैं कि आपको आश्वासन देते हैं बना देंगे नगर पालिका, बरसात के बाद बरसात के नाम से हट जाते हैं। झांकने नहीं आ कि रोड है कि कट गई, इसमें कोई समाधान नहीं निकल रहा है इस मोहल्ले का। आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं? आपकी क्या नाम, नाम क्या है? हमारा नाम है दिनेश कुमार। अच्छा, ये 3 बार रास्ता गिर चुका, 3 चक्कर हमारा घर मकान गिर चुका है, ये रास्ते की वजह से, रास्ते की वजह से आपका मकान भी गिर चुका है। लेकिन किसी से शिकायत आपने नहीं किया? शिकायत का जब कोई ये या कोई सुनवाई हुई है तब तो कोई सुनवाई करी, शिकायत करी, सुनवाई भी नहीं होती है, शिकायत करते हैं सुनवाई भी नहीं होती है। हमारा घर के यहाँ का चेयरमैन कौन है?
रूबीना रेहान, इनसे भी कहा आप लोग? नहीं कहा हम लोग, कहे सब कोई कहा गया, लेकिन वो भी नहीं आते हैं। कोई सुनाने नहीं आए, देखने कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार। आपका नाम क्या है, तुम नाम क्या है? तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।